हर चुनावी नतीजे के बाद नई सियासी तकरार शुरू हो जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन यूपी की राजनीति के लिए नई बात है तेजी से बदलते समीकरण। इसने विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। यूपी देश की चुनावी सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा है। ऐसे में भाजपा के विरोधियों की कोशिश 24 के दंगल के लिए अलग दांव की खोज की है। ये दांव बुनियादी मुद्दों को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने का हो सकता है। चुनावी नतीजे पर नई तकरार, अखिलेश का धांधली वाला प्रहार। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव, ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भाजपा का सपा पर ट्रिपल इंजन अटैक, जो हमारा संकल्प है, हमने जिस एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जनादेश मांगा, हमने शहरों की बेहतरी के लिए, शहरों को सजाने के लिए, संवारने के लिए जनादेश मांगा, बीजेपी सबको साथ लेकर चलेगी। मायावती से ओवैसी तक को अखिलेश संदेश। जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास। नतीजों के आंकड़ों पर सपा का हिसाब, हार में भी जीत के समीकरण की तलाश। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है, और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। 23 के रिजल्ट पर 24 का संग्राम। जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारी को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। ये उनका काम में मांग करते रहे, लेकिन हमने बताया कि निष्पक्ष तरीके से हमारी सरकार ने चुनाव कराए हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं प्रकार का गड़बड़ी। उम्मीद से उलट नतीजे, लाल हुए चाचा भतीजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।